एबीपीएस न्यूज द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रम चले गांव की ओर के अंतर्गत हमारी टीम रादाबाद जनपद के ब्लॉक ठाकुर द्वारा के अंतर्गत ग्राम प्रधान विजय देवी की ग्राम पंचायत वैजनाथपुर पहुंची। ठाकुर द्वारा तहसील से 7 किलोमीटर दूरी पर बसा यह गांव एक छोटे से सरकारी अस्पताल की मांग काफी समय से कर रहा है, ताकि ग्रामीण कम से कम यहां पर प्राथमिक उपचार करा सके। लेकिन अभी तक यहां पर अस्पताल बनने के आसार दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे हैं। बात अगर स्थानीय संसद कही जाने वाली ग्राम पंचायत के भवन की हो तो वह भी आज तक इस गांव को नसीब नहीं हुआ। 4000 की आबादी वाला यह गांव बिजली के मामले में भी अभी काफी पीछे नजर आता है, क्योंकि यहां पर पूरे गांव को बिजली मुहैया कराने के लिए मांग एक ट्रांसफार्मर की है और मात्र 70 बिजली पोल के खंभे हैं। बात पीने के पानी की हो तो यहां 70 हैंडपंप हैं, जिनमें से 4 खराब हैं और ग्राम प्रधान की काफी समय से 10 और नलों की और मांग की जा रही है। अगर सरकार गांव की इन मांगों पर ध्यान दे तो यह गाँव बहुत जल्दी विकास कर जाएगा। मैं शिवसुख सिंह ग्राम बैजनाथपुर से बोल रहा हूँ कि ब्रजेश कुमारी देवी गांव में बिना भेदभाव के विकास कर रही है। ग्राम बैजनाथपुर का रहने वाला हूं, हेमराज सिंह मेरा नाम है। जो यहां की मौजूदा प्रधान ब्रजेश देवी हैं, मैं उनका ससुर हूं, मैं मेरे पुत्र वधू हैं। काम काज की देखरेख मैं स्वयं करता हूं। मुझे यहां पे स्कूल में दिक्कत है बच्चों के पढ़ने की, जिससे गंदगी होती है, धूल उड़ती है, लोग रास्ता चलाते हैं। तो स्कूल में बाउंड्री 50 मीटर या 100 मीटर रास्ता और बाकी कच्चे फील्ड में पूरे में चौका, एक हैंडपम्प और एक बड़े गेट की सख्त ज़रूरत है। और जो ग्राम पंचायत की भूमि है गाँव से बराबर में लगी हुई, उसको लोग कब्जा रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि उसमें भी मैं 4 दीवारी करा दूँ, ताकि एक किसी महापुरुष की उसमें मूर्ति जो यादगार के लिए हूँ, मैं उसको लगवाना चाहता हूँ। और जैसे ही पैसा आता है, मैं निपक्ष अपना पराया ना देख कर विकास कराता हूँ। ब्रजेश देवी से प्रयास करता हूँ कि अपना पराया ना देख कर काम करो, विकास करो। और मैं चाहता हूँ जितना पैसा ज़्यादा है उतना बड़ा विकास हो, ताकि गांव में जो समस्या है वो दूर हो जाए। और गाँव जो है आज के जो जैसे शौचालय बन रहे हैं, इससे ODF और सफाई में गांव मेरा बैजनाथपुर उत्तम हो जाए।